चर्चा चल गया खड़गे जी का? देखो खड़गे जी तो खड़गे हैं, डमी चलाएंगी मम्मी। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहाँ पड़े होंगे। इस समय सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए, मेरी सहानुभूति है उनसे। 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के लोग। जितने भी सांसद को निकाला गया है उसको लेके? नहीं, वो तो निकलने ही लायक है। वो पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अगर 50 सांसद मिलके 60 सांसद मिलके 543 का हक छीन लेंगे तो ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। संसद तो 543 के लिए है, आपको अपना कोई धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आप बाहर करिए। आप संसद डिस्टर्ब करते हैं, एक दिन करिए, दो दिन करिए, आप रोज़ संसद डिस्टर्ब कर देंगे तो बाकी सांसदों के हक का क्या होगा? आरोप लगा रहे हैं तानाशाही का कि सरकार तानाशाही, तानाशाही वो दिखा रहे हैं, इसलिए उनको कानून का थप्पड़ लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, एक टीएमसी के सांसद उपराष्ट्रपति को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। आप समझ लीजिए कि इतने बड़े संवैधानिक पदों पे जो बैठे हैं लोग, उनके प्रति इनका ये रवैया है तो ये लोग आगे चल के संविधान का कितना सम्मान करेंगे, ये मनोज तिवारी को बतलाने की आवश्यकता है। खड़गे जी को पीएम यदि उम्मीदवार बना दिया जाए तो कोई चुनौती है सर? अरे भाई, खड़गे जी का बेटा कहता है सनातन को ख़त्म कर दो। खड़गे जी का बेटा कहता है कि ये सनातन तो बीमारी है, हिंदू धर्म बीमारी है। तो अब आगे जो भी होगा आप देखते रहिए। मुझे लगता है कल अलायंस के कम 4 प्रमुख घटक, वो बस बेहोश होते होते बचे हैं और उनका इलाज कहाँ हो रहा होगा आप देखिएगा। अलायंस इंडी अलायंस का जो मूल है वो है करप्शन, और देश है करप्शन के खिलाफ। थैंक यू।